सोल रिट्रीवल। सोल रिट्रीवल एक शक्तिशाली प्रैक्टिस है। उन लॉस्ट हुए हुए गुम हुए आत्मा के हिस्सों को दोबारा प्राप्त करने का। और ये सोल लॉस क्या है? सोल लॉस तब होता है जब किसी लाइफ में हमें एक्सट्रीम ट्रॉमा, पेन, हर्ट या कोई पेनफुल सर्जरी या किसी फैमिली मेंबर की अकस्मात मृत्यु, किसी रिलेटिव की अकस्मात मृत्यु या कोई अब्यूसिव रिलेशनशिप हो या बहुत एक्सट्रीम टेंशन से हम गुजरे हों, कोई डाइवोर्स का एक्सपीरियंस हो, कोई नेचुरल कैलामिटी जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, कुछ इस तरह की वजहों से जब कोई सोल ट्रॉमा में जाती है, पेन में जाती है, शॉक में जाती है, तो हमारे सोल का एक हिस्सा हमसे अलग हो जाता है। जन्म दर जन्म सोल कुछ ना कुछ अपने पार्ट को इसी तरह लूज करती चली जाती है, खोती चली जाती है और ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। अपने खोए हुए सोल के हिस्सों को वापिस लाना बहुत जरूरी है। कभी कभी हमको बहुत ज्यादा इनकम्प्लीटनेस की फीलिंग महसूस होती है। कभी कभी भीतर हम गहरी उदासी की ऊर्जा को अनुभव करते हैं। बिना किसी रीजन के हम सैडनेस की ऊर्जा में चले जाते हैं और हम कहते हैं हमें पता ही नहीं कि मैं क्यों सैड हूँ। भीतर की गहरी वेदना और वो जो लॉस्ट हमारे पार्ट है, ये सब हमें याद दिलाने की कोशिश करते हैं कि कुछ हिस्से आज भी वहाँ अटक गए हैं। तो आज बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, फुल मून की ऊर्जा है और साथ ही इक्लिप्स भी। तो आज अर्थ देवा का मैजिकल पावरफुल दिन है। साथ ही साथ एनर्जीज ऑफ 555 एक बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा का बहाव और ग्रेट डे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और परफेक्ट टाइम अपने सभी सोल पार्ट्स को वापस बुलाने का। तो आज हम इस ऊर्जा का यूज करते हैं, अपने सोल पार्ट्स को वापस बुलाएंगे, सोल रिट्रीवल करेंगे। तो आह्वान करते हैं अपने माइटी आई एम प्रेजेंस, अपने हायर सेल्फ, अपनी टीम ऑफ लाइट का और अपने पावर एनिमल का भी आह्वान कर सकते हो। एकदम शांत और स्थिर होते हुए सारा ध्यान अपनी श्वासों पर, पोषित करने वाली ये सांसें, गहरा श्वास लेते हुए और हर श्वास के साथ सेटल इनटू स्टिलनेस, अपने भीतर गहरे उतरते हुए और अधिक शांत होते हुए और अधिक स्थिर होते हुए। बैकग्राउंड में ये ड्रम का म्यूजिक, इसका मकसद है क्योंकि ड्रम के म्यूजिक की सेम फ्रीक्वेंसी होती है जैसे हमारी अर्थ की है और ये आपको ट्रांस की स्टेट में ले जाने में हेल्प करेंगे। अमुमतो सरले शाह। एक और गहरा श्वास लेते हुए अपने भीतर उतरते हुए बुध पूर्णिमा की ऊर्जा को, इक्लिप्स की ऊर्जा को अपने भीतर बहने दो, अपने चारों ओर बहने दो। इमिमिति तु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 
जो भी पार्ट सबने खो दिए हैं, हम उन सभी सोल पार्ट्स को एक बार फिर वापस बुलाते हैं, रिंस्ड क्लींस्ड विद प्योर सोर्स एनर्जी, उन्हें अच्छी तरह से धोकर, लोअर इमोशंस की ऊर्जा को रिलीज कर प्योर कॉन्शियसनेस की ऊर्जा में भरकर अपने पास वापस बुलाते हैं। विजुलाइज करें एक समुद्र के किनारे हल्की गर्म रेत पर आप लेटे हुए हो। इस रेत की गर्माहट को महसूस करें। कुछ दूर समुद्र की लहरों को भी महसूस करें, आती जाती गिरती हुई लहरें, आसमान में सूर्य चमकता हुआ, सूर्य की किरणों को अपने पर पड़ता हुआ देखें और शरीर के भीतर उस ऊर्जा को, उस गर्माहट को महसूस करें। एक इंटेंशन डालते हुए बड़ी दृढ़ता से, जो भी मेरे लॉस्ट पार्ट है, जो भी मेरे सोल के हिस्से खो गए हैं किसी कारणवश, मैं आज उन्हें हर पास्ट लाइफ से, पैरेलल रियलिटी से, अल्टरनेट यूनिवर्स से, अक्रॉस ऑल टाइम एंड स्पेस, वो जहां कहीं भी हैं, किसी ट्रॉमा, किसी पेन, किसी हर्ट, किसी शॉक की वजह से, किसी कैलामिटी की वजह से, मेरी अनफॉरगिवनेस की ऊर्जा की वजह से वो आज भी स्टक है, आज मैं उन सभी सोल पार्ट्स को वापस बुलाती हूँ, टोटली रिंस्ड क्लींस्ड फिल्ड विद क्रिएटर सोर्स एनर्जी, उन्हें टोटली धोकर, साफ कर परमात्मा की ऊर्जा से भरकर वापस बुलाती हूँ राइट नाउ इन दिस मोमेंट। ऑल दिस पार्ट्स कम बैक टू मी राइट नाउ। मेरे सभी सोल के हिस्से इस वक्त वापस आए। फ्रॉम ऑल पैरेलल डायमेंशंस, पास्ट लाइफ्स, पैरेलल रियलिटीज, अल्टरनेट यूनिवर्स, वो जहां कहीं भी हैं, टोटली रिंस्ड क्लींस्ड फिल्ड विद क्रिएटर सोर्स एनर्जी, और अगर उनमें बहुत ज्यादा जख्म है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, तो आफ्टर डूइंग द सोल रिट्रीवल इन हायर टेम्पल्स, उन सभी सोल पार्ट्स को उनको पूरी तरह हील कर हायर डायमेंशन के हायर टेम्पल्स में रिटर्न बैक टू मी। इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। आप देख सकते हो एक बॉल ऑफ लाइट, और बहुत सारी बॉल ऑफ लाइट चारों तरफ से, या एक ऑर्ब की तरह आपके पार्ट्स आपके पास वापस आते हुए, हाँ, सभी दिशाओं में से अपने माइटी आई एम प्रेजेंस को कहें कि इन सभी पार्ट्स को पहले हील करें, लोअर ऊर्जा को ट्रांसम्यूट और ट्रांसफॉर्म करते जाएं, जो भी ऊर्जा अनफॉरगिवनेस की है उसे रिलीज कर जितना भी ट्रॉमा, पेन, हर्ट उस पार्ट में है, सबको रिलीज करते हुए सभी को माफ करते हैं। खुद को
खुद को बहुत सारा प्रेम भेजते हुए, अपने हर उस हिस्से को प्रेम भेजते हुए जो बिछुड़ गया था, जो आपसे अलग हो गया था, बहुत ट्रॉमा और पेन की एनर्जी में अभी तक अटका हुआ है, उसे समझाते हुए नाउ इज द टाइम टू कम बैक। जैसे जैसे सोल हील होती जा रही है, वो ट्रोमा, वो पेन, वो हर्ट अमोदतेश रिलीज होता जा रहा है, सोल फॉरगिव करती जा रही है खुद को भी और सभी को, वो गुस्सा शांत होता जा रहा है। सभी सोल पार्ट्स वापिस आते हुए हार्ट चक्र में मर्ज होते हुए, हार्ट की ऊर्जा एक्सपेंड होती हुई, यही ऊर्जा आपके माइटोकॉन्ड्रिया में जाती हुई एटीपी के साथ इन्फ्यूज होकर वहां से सभी सेल्स में जाती हुई आपकी सोल हील और रिपेयर होती हुई। शिव बदम सिकुम सोल के हिस्से वापिस आते हुए नया जन्म होता हुआ, चेतना ट्रांसफॉर्म होती हुई, हृदय चक्र एक्सपेंड होता हुआ, सोल एक बार फिर से मुस्कुराती हुई शिवदेशा सोल रिट्रीवल, इसे करना बहुत जरूरी है। आपको लगातार अपने सोल के हिस्सों को वापस बुलाते जाना है। जब भी आप ध्यान करते हो, ध्यान करने के बाद आप अपने सोल के हिस्सों को भी कॉल कर सकते हो।